हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल सो मैं आज आपके लिए पीवीआर का डिटेल्ड एनालिसिस लेके आई हूँ मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक दिवाली धमाका की तरह साबित हो सकता है प्रोवाइडेड आप इसे सिक्स मंथ्स टू वन ईयर का थोड़ा सा टाइम फ्रेम दें और थोड़ा सा पेशेंस दें uh, ये स्टॉक के दो बड़े रीजंस हैं जो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में और अडार में होना चाहिए सबसे पहला रीजन ये है कि अब आपको पता है महाराष्ट्र में थिएटर्स खुल रहे हैं uh, बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि सो वॉट लाइक वॉट अ बिग डील ये थोड़ा सा फैक्टर्ड इन ऑलरेडी है बट मैं बोलूंगी कि ये फैक्टर्ड इन होने के बाद भी एक थोड़ी सी हाई एक्सपेक्टेशन है जैसे पिछले डेढ़ महीने में जो भी मूवीज रिलीज हुए वो इंडिया के थोड़े बाकी स्टेट्स में रिलीज हुए हैं और अब महाराष्ट्र में भी ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर के बाद मूवीज रिलीज होने वाले हैं एंड ऑब्वियसली बहुत सारी मूवीज लाइंड अप है कंसिडरिंग द फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग मुझे लगता है कि जब लिमिटेड कपैसिटी से फुल कपैसिटी पर सब कुछ खुलने लग जाएगा एवरी थिंग विल ओपन अप एंड मुझे लग रहा है विल गिव अ गुड बेस टू द रेवेन्यू अब बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट यू नो लाइक इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग बट मुझे लगता है दैट इट इज अ वेरी बिग थिंग देखिए एक ऐसा फेज था uh, जब मैं छोटी गोआ करती थी यू नो गोइंग फॉर अ मूवी यूज टू बी लाइक एन इवेंट ओके देन प्रोबेबली आफ्टर सम टाइम गोइंग टू मूवी बिकेम लाइक अ नॉर्मल थिंग Uh, अब ऐसा फेज ऐसा आया जब दो साल से कोई फैमिली गेट टुगेदर नहीं हुआ आई ऑलवेज सी मूवी एज अ फैमिली गेट टुगेदर एंड वो हो नहीं पाया लो कपल्स वॉट एवर क्यूड नॉट गो फॉर मूवीज अब जब थिंग्स हैव ओपनड अप आई थिंक दिस विल बी एन एक्साइटिंग थिंग फॉर पीपल यार लेट्स गो फॉर अ मूवी यू नो एंड ऑल सो मुझे लगता है कि ये फैक्टर्ड इन होने के बाद भी एक एडिशन एक प्लस देगा दूसरा बड़ा रीज़न मुझे लगता है आ, मैं आपसे छः महीने का या एक साल का टाइम पी के लिए क्यों मांग रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पी जिसने हाल ही में एक टाइप किया है विद नॉडविन गेमिंग विच इज़ नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ सब्सिडरी नज़ारा इसमें ऑलमोस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट का स्टेक होल होल्ड करता है नॉ नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ गेमिंग के बिजनेस में है दे आर गेम डेवलपर्स ऑन मोबाइल इज अ डिफरेंट कंपनी विच इज इन टू प्रिपेरिंग क्लाउड टेक्नोलॉजीज मतलब वो बेसिकली गेमिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट ऑन मोबाइल आई हैव ऑलरेडी मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन इट सो नजारा एंड ऑन मोबाइल आर टू सेपरेट बिजनेस लाइन्स सो डोंट ट्राई टू जस्ट जज कि यार ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन विद दिस मार्केट कैपिटाइजेशन बिकॉज इट इज टोटली नॉट हाउ इट इज सो वे नज़ारा की सब्सिडी दिस नोडविन अक्टूबर की फर्स्ट वीक में जब इसकी खबर आई थी uh, इन्होंने कुछ इवेंट्स ऑलरेडी लाइव किए हैं सो होने क्या वाला है कि पी वी uh, जो पैसे जैसे हम पबजी खेलते थे फॉर पीपल हु आर प्लेंग और हु आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल दिस पबजी एक गेमिंग मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन थी जिसको हमने हाल ही में लाइक सम मंथ्स बैक इंडिया में बैन हो गया अब जो उसके जगह पे जो अवेलेबल गेम है विच इज़ बैटल ग्राउंड अब वैसे गेम्स जो लोग खेलते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी ऑन इन द थिएटर सिंपल सिंपल वर्ड्स में ये होने वाला है अब आगे इनका फ्यूचर क्या है कि जो इनिशियल राउंड्स ऑफ गेमिंग्स होते हैं वो मोबाइल में होंगे घर से घर से बैठ के जो आगे के लेवल के गेम्स होंगे उन सबका लाइव स्ट्रीमिंग होगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड अफेयर Uh, इन्होंने ऑलरेडी चार सिटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर विच वॉज़ आई इंदौर हैदराबाद एंड गुड़गांव नाउ दे आर वेटिंग फॉर महाराष्ट्र महाराष्ट्र ने ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर के बाद uh, सिनेमा घरों को ओपन कर दिया है सो so ये लोग का इंटेंशन क्या है इनका इंटेंशन ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी जो मुझे सरप्राइजिंगली पता नहीं था कि बहुत सारे लोग इन्जॉय करते हैं टू वॉच जस्ट वॉच द गेम बाई नॉट जस्ट प्लेइंग सो फो पीपल लाइक देम द इनकी मेन रेवेन्यू कैसे जनरेट होने वाली है इन लोग टिकट्स बेचेंगे ऑब्वियसली आप लाइव स्ट्रीमिंग देखने आएंगे तो आप टिकट खरीद के थिएटर में बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे दूसरा ये स्पॉन्सरशिप uh, राइट्स देंगे और तीसरा इन्होंने जो आप आई मीन से टेलीकास्ट राइट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो so बेसिकली इनका रेवेन्यू ये तीन तरीके से जनरेट करने की कोशिश करेंगे uh, जैसे मैंने कहा थ्री सिटीज़ में ऑलरेडी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इनका टारगेट ये है कि ये आई जैसा खेलने खेलने की टीम्स बनाएंगे लाइक इफ़ आई वुड से दे विल प्ले स्टेट वर्सेज स्टेट लाइक इफ देर इज़ डेली वर्सेज बॉम्बे और दर इज यू नो इंदौर वर्सेज मुंबई और वॉटर ऐसे ये लोग का टारगेट ये है कि ग्लोबली थोड़ा थोड़ा करके ये लोग पूरे स्टेट्स ऑफ इंडिया में स्प्रेड हो जाएंगे सो so दैट एक बैटल ग्राउंड क्रिएट हो एंड पीपल कम एंड दे वॉच सो ऑब्वियसली थिएटर में लिमिटेड कैपेसिटी होगी सो पीपल कैन नॉट कम एंड वॉच इसीलिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी दी जाएंगी जिसमें से भी ये लोग रेवेन्यू कमाएंगे Uh, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो सक्सेसफुल uh, इन्होंने अक्टूबर के जैसे मैंने आपको कहा कि थर्ड सेवेंथ एंड आई थिंक ट्वेंटी फर्स्ट या कभी इनका uh, जो ये तीन सिटीज थे वहाँ पे इनके ऑलरेडी स्ट्रीमिंग्स हुई हैं दे आर लाइक दे हैव गॉट अ गुड रिस्पांस एंड नाउ बॉम्बे इज गोइंग टू बी द बिग मार्केट महाराष्ट्र इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग मार्केट जिसकी ये लोग अब टारगेट करेंगे इनके लॉन्च डेट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं बट वेरी सुन इनके लॉन्च डेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे अब ये कंपनी uh, की जो मैं अगर आपके इसके पास इसके नंबर्स शेयर करूँ तो आप मुझे लगता है कि इसके नंबर्स डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है बिकॉज आप इट्स लिटिल फुलिशनेस टू कंपेयर नंबर्स ऑफ अ कंपनी जो ऑलरेडी बंद है आई मीन इट्स इन एक्टिव बट हाँ उन्होंने अपने प्रॉफिट लॉसेस थोड़े रिड्यूस किए हैं ऑब्वियसली उन्होंने अपने फिक्स्ड कॉस्ट को 70 टू 80 परसेंट तक रिड्यूस किया है सो so मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ दैट वेन यू पिक स्टॉक फॉर अ लिटिल लॉन्ग टर्म पीरियड आपको उसके थोड़े से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को देख के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए तो मुझे लगता है जिस त, जेनर में पी आ, आ रहा है इज इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड जिस तरह से ये गे, 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 गेमिंग प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बढ़ेगा एंड लोग इन्जॉय करेंगे जाके देखना आ, मुझे लग रहा है इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इसके साथ में इसका रेवेन्यू ऑब्वियसली अटैच होगा आगे जाके इसको कैसे एज़ अ बिजनेस को स्प्लिट होगा ऑबियसली इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप पी वी आर स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट टू थाउजेंड तक का टारगेट इसका सेट करना चाहिए प्रोवाइडेड यू गिव इट टाइम बिकॉज ऑन मोबाइल के साथ भी ऐसा हो रहा है दे आर डेवलपिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड उनको भी टाइम लग रहा है टू रिजल्ट इन टू रेवेन्यूज एंड टू अट्रैक्ट पीपल सब्सक्रिप्शन थिंग सो दिस इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग बट ऑबली पी वी आर जैसे इसके ऑलरेडी एस्टैब्लिश आई मीन देर ऑलरेडी थिएटर्स देर दे जस्ट हैव टू टाई अप और एंड उनको सिर्फ वो लाइव स्ट्रीमिंग करना है विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू डेवलपिंग समथिंग न्यू सो मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी एडवांटेज है पी वी आर के पास एंड मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए अगर आप मुझे पूछे द एंट्री पॉइंट तो देन इट डजन इस स्टॉक का क्या होना चाहिए आई से दैट मैटर बिकॉज